नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। जब भी कोई व्यक्ति पुलिस वाला बनने का सपना देखता है तो सबसे पहले धाराओं को ठीक से पढ़ता है, जी हाँ, यानी आईपीसी की धारा। लेकिन बरेली में एक दरोगा अविनाश चंद, जो एडीजी जोन बरेली है, उनकी परीक्षा में पास नहीं हो सका। बता दें कि एडीजी की परीक्षा में अधिकतर पुलिस वाले फेल साबित हुए। दरअसल एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद ने थाना सदर में निरीक्षण किया। एडीजी ने दरोगा से लूट के मामले में लगने वाली धारा के बारे में पूछा तो वह इधर उधर देखने लगे। एडीजी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्टाफ की फटकार लगाई। एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद थाना सदर बाजार पहुंचते ही सबसे पहले मुंशी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल से क्षेत्र में किसी अपराधी के होने का सवाल किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। लंबित विवेचनाओं के बारे में जानकारी होने पर एडीजी ने नाराजगी जताई। एडीजी ने पूछा कि थाने में कितने दरोगा सिपाही हैं। जवाब मिला कि करीब 119 है। इस पर एडीजी ने थाना प्रभारी से कहा कि एक कागज लेकर अलग बैठ जाए और करीब 100 लोगों के नाम लिखकर दिखाइए। इसके बाद एडीजी थाना दिवस के लिए लगे अलग पंडाल में बैठ गए, जहां कुछ लेखपाल भी बैठे थे। वहीं थाना दिवस में आने वाली शिकायतों के बारे में बातचीत करने लगे। एडीजी ने शिकायतों के निस्तारण का रजिस्टर मंगाकर निस्तारित शिकायतों का फीडबैक जानने के लिए ट्रेनी सीओ को निर्देश दिए। एडीजी ने क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाले दरोगा और सिपाहियों को भी बुलाया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।